सिर पर संभल के चंदौसी में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने निजी स्कूलों द्वारा फीस मांगने के विरोध में उप जिलाधिकारी को सौंपा ज्ञापन। जनपद संभल के चंदौसी में आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने एकत्रित होकर तहसील परिसर में उप जिलाधिकारी चंदौसी महेश प्रसाद दीक्षित को ज्ञापन सौंपा और ऐसे निजी स्कूलों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग की जो कि अभिभावकों को फोन करके या मैसेज करके फीस मांग रहे हैं। इस विषय में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारियों ने मांग की कि ऐसे स्कूलों की मान्यता ही खत्म कर देनी चाहिए जो कि इस समय भी फीस मांग रहे हैं। हमने एक मांग पहले भी करी थी कि अप्रैल मई जून की फीस माफ की जाए, लेकिन सरकार ने हमारा उस पर एक आदेश दिया था कि अप्रैल मई जून की फीस माफ़ की जाए और जो स्कूल फीस मांगे उनकी मान्यता रद्द की जाए। आज हमने जिलाधिकारी से ये मांग की है कि जो लोग फीस मांग रहे हैं या उनको उत्पीड़न कर रहे हैं उनको जो है उनकी मान्यता रद्द की जाए, क्योंकि व्यापारी और जनता बहुत परेशान है। लॉकडाउन में उसका काम बिल्कुल नहीं चला और आज तक भी वो काम नहीं चल पा रहा, इसलिए परेशान है। हम ये मांग करते हैं कि इनकी मान्यता रद्द की जाए और इसके खिलाफ यदि अभिभावक संघ चाहेगा तो वो भी 8 दिन के अंदर अंदर अनशन करेगा, धरना प्रदर्शन करेगा स्वीकृति लेकर। आज अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने SDM साहब को ज्ञापन सौंपा है जिलाधिकारी के नाम में कि ये स्कूल निजी स्कूल जो हैं ये अपनी मनमानी पे दोबारा उतर गया है और इन्होंने जो है वो दोबारा से मैसेज जो है वो भेजने और जो है वो कॉल करके जो है वो फीस जमा करने के लिए अभिभावकों के ऊपर जो है मानसिक रूप से उत्पीड़न कर रहे हैं ये निजी स्कूल वाले, जबकि राज्य सरकार का आदेश है कि अप्रैल मई जून की फीस जो है नहीं ली जाएगी, लेकिन ये निजी स्कूल वाले उत्पीड़न कर रहे हैं। उसके विरोध में आज हमने SDM साहब को ज्ञापन भेजा है जिलाधिकारी के नाम में कि अगर इनके खिलाफ जो है वो कार्रवाई नहीं करी जाए, इनकी मान्यता रद्द कर दी जाए, क्योंकि राज्य सरकार ने कह दिया अगर स्कूल जो है वो अगर पैसा फीस मांगेंगे तो उनकी मान्यता रद्द कर दी जाएगी। तो आज हमने ये SDM साहब के माध्यम से जो है वो जिलाधिकारी जी से मांग करी है कि इनकी मान्यता या तो रद्द की जाए वरना अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल और अभिभावक संघ इनके खिलाफ जो है धरने पर बैठे तहसील।